आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। साहित्यकारों से लेकर राजनेता तक हिंदी भाषा को लेकर अपने विचार बयां कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्विटर पर अपने मन के ऐसे विचार साझा किए जिस पर सियासत छिड़ गई है। विपक्ष को शाह को घेरने की एक नई कड़ी मिल गई है, जिसे लेकर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को भाषा, लिपि और संस्कृति का ज्ञान दिया है। अनेक संस्कृति, अनेक विविधताओं, अनेक परंपराओं की चादर ओढ़े भारत दुनिया में सभी धर्मों और भाषाओं को उच्च स्थान देने वाला देश है। यह नदियों का संगम है, भाषाओं का मिलन है, इन्हीं मिलापों से बनी है हिंदी, जिसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी हमें दुनिया भर में सम्मान दिलाती है, राष्ट्र की पहचान बनाती है, लेकिन अब इसी सम्मान और पहचान पर छिड़ गया है घमासान, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को लेकर ऐसी बात कह दी है जो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गले नहीं उतर रही। दरअसल शाह ने हिंदी दिवस पर ट्वीट कर लिखा, भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, जहां हर भाषा का अपना महत्व है, परंतु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है, जो विश्व में भारत की पहचान बने। यानी शाह ने एक देश एक कर और एक देश एक चुनाव की तरह एक देश एक भाषा का नया राग अलापा है। अब इस राग पर ओवैसी के ऐसे राजनीतिक सुर बिगड़े कि उन्होंने शाह को भाषा, लिपि और संस्कृति के अधिकार याद दिला दिए। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, हिंदी हर भारतीय की मातृभाषा नहीं है। क्या आप इस देश में कई मातृभाषाओं की विविधता और सुंदरता की सराहना करने की कोशिश कर सकते हैं? अनुच्छेद 29 प्रत्येक भारतीय को एक अलग भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार देता है। भारत हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व से बहुत बड़ा है। जहां एक तरफ ओवैसी ने शाह की महत्वाकांक्षा के राजनीतिक मायने निकाले, तो वहीं शाह के बयान पर मचे बवाल के सुर दक्षिण तक सुनाई दिए। कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भी हिंदी दिवस मनाने का विरोध किया गया। कन्नड़ लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकालते हुए कहा कि भारत में लोगों को सभी तरह की भाषाओं के इस्तेमाल की आजादी है, इससे कोई हमें रोक नहीं सकता। इस विरोध से साफ है कि हिंदी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि शाह के बयान पर मचे बवाल पर मोदी सरकार कैसे बचाव करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।